हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूँ, ओबरॉय रियलिटी शेयर लेटेस्ट न्यूज स्टॉक टू बाय नाउ। ओबरॉय रियलिटी रियलिटी सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक जिसने रिसेंटली क्वार्टर वन के रिजल्ट्स काफी बढ़िया दिए थे और इस हफ्ते क्वार्टर टू के रिजल्ट आएंगे, इसीलिए मैं ओबरॉय रियलिटी को सजेस्ट कर रहा हूँ। रिसेंटली इस पिछले एक महीने के करेक्शन में ये स्टॉक करीबन 1100 के लेवल से नीचे की तरफ आया है। इस समय आपको 890 या 900 के आसपास मिल रहा है ये स्टॉक, तो बढ़िया लेवल है इस समय स्टॉक में इन्वेस्ट करने के। कई सारे कारण है। सबसे पहला कारण जो मैंने आपको बताया कि करेक्शन में ऑलरेडी काफी करेक्ट होके नीचे की तरफ मिल रहा है आपको। दूसरा, इस हफ्ते इसका यहाँ पे क्वार्टर टू के रिजल्ट्स हैं। तीसरे, जिस हिसाब से रियलिटी सेक्टर में एक डिमांड आ रही है, रियलिटी सेक्टर पोस्ट पैंडेमिक अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। डीएलएफ की बात करें, रियलिटी ओबरॉय रियलिटी की बात करें, या गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें, शोभा रियलिटी की बात करें, तो सभी रियलिटी स्टॉक्स जितने भी है, रियलिटी कंपनी है, सभी को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पोस्ट पैंडेमिक। और काफी सारे बिजनेसेस जो प्री पेंडेमिक को कर रहे थे वो लेवल पे बिजनेसेस वापस उनको मिल रहे हैं, तो अच्छा खासा मोमेंटम इस समय कहते रियलिटी सेक्टर में आ चुका है। और इसीलिए ओबरॉय रियलिटी एक बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी जो है, इसीलिए आज के दिन पे फिर से एक बार रिकमेंड कर रहा हूँ स्टॉक को। वीडियो की शुरुआत में मार्केट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आज हमने देखा मार्केट करीबन 2:30 बजे तक कंसोलिडेशन मोड में थी, करीबन कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज था मार्केट का, और थोड़ा बहुत नेगेटिव बायस था। उसके बाद स्पेशली 2:30 बजे के बाद हमने एक ब्रेकडाउन देखा बैंक निफ्टी में। ब्रेकडाउन आया बैंक निफ्टी में 38,750 के लेवल तक, और इसीलिए बैंक निफ्टी की जो करेक्शन आई उस वजह से हमें क्लोजिंग आज मिला 17,050 के नीचे। कल के वीडियो में मैंने कहा था कि अगर 17,050 के नीचे हम क्लोज होते हैं तो थोड़ा बहुत माहौल 16,900 तक जा सकता है फिर से। वही आज हमने देखा, जैसे ही 17,050 के नीचे हम स्पॉट लेवल्स फ्यूचर लेवल्स दोनों के नीचे आए, क्योंकि बैंक निफ्टी करेक्ट हुआ, उस हिसाब से हम क्लोजिंग हमें मिला है 16,980 16,950 के आसपास। ओवरऑल सिनेरियो अब कह सकते हैं यहाँ पे सिनेरियो कॉशियस मोड का हो चुका है। थर्सडे को फेडरल क्या यूएस में स्पेशली अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन डेटा आएगा, जिस जो पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय इस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन डेटा को देखा जा रहा है वो क्लियर कट है कि पिछले 2 टाइम से इन्फ्लेशन डेटा नीचे आएगा। लेकिन वो अगर हम देखें उसका रिएक्शन हमें फ्राइडे देखने मिलेगा। तो इस हफ्ते अगर हम देखें वॉलेटिलिटी अभी भी कंटिन्यू रह सकती है। ओवरऑल इस हफ्ते की एक्सपायरी जो मैंने कल के वीडियो में कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, इस हफ्ते की एक्सपायरी मुझे एटलीस्ट 17,300 17,400 के बीच में दिख रही है। 2 दिन बचे हैं सिर्फ एक्सपायरी के लिए, काफी लोग सरप्राइज होते रहेंगे। अभी भी 17,300 मैं कैसे बोल रहा हूँ, लेवल जो 16,900 के आसपास आया है, यहाँ से एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग बनती है। जो शॉर्ट्स होंगे वो कवर होंगे यहाँ पे, साथ ही में जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लेवल होंगे वो आ चुके हैं। तो इन दोनों दो क्राइटेरिया की वजह से मैं कहूंगा निफ्टी अभी भी 17,300 17,400 आने वाले 2 दिनों में जा सकती है। और मेजर जो बड़ा कारण जो मैं इस पर्टिकुलर स्टैंड पे अभी भी मेंटेन हूँ वो ये है कि पिछले 5 दिनों से डाउ जोन्स नैसडैक कांस्टेंट गिर रहा है। तो अगर एक रिलीफ रैली भी वहां पे बनती है डाउ जोन्स पे आज रात को या कल रात को, तो एक स्ट्रांग पुल बैक बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कारण और एक जोड़ना चाहूंगा इस पर्टिकुलर मेरे स्टैंड में, वो ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस लेवल है वो काफी बड़े बड़े हैं। निफ्टी की बात करें तो यहाँ से अब बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 17,225 का है, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 39,500, उसके बाद 39,500 के बाद जो रेजिस्टेंस बनता है वो है 40,200 का। तो हजार हजार पॉइंट्स के रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में और करीबन 200-250 पॉइंट के रेजिस्टेंस है निफ्टी में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस बड़े हैं, अगर एक छोटी सी भी रैली रिलीफ रैली बनती है नैसडैक और डाउ जोन्स में तो अच्छा खासा मोमेंटम फिर से हमें देख मिलेगा। वीडियो की शुरुआत में 200 इसी का ओवरव्यू देना चाहूंगा जो हम प्रोवाइड करते हैं एवरी सैटरडे। YouTube लाइव में जुड़ जाइए दोपहर को 3 से 4:45 के बीच में, जहां पे जितने भी आपके डाउट्स है क्वेरीज है उस कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उससे हमें उसका आंसर लीजिए। दूसरा तरीका एडवाइजरी प्रोडक्ट, बैंक निफ्टी निफ्टी स्टॉक ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। डिलीवरी बेस इंट्राडे बेस एफएनओ बेस आपको कॉल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसे एक्सिस्टिंग पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट किया जाएगा, और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे इस वॉलेटाइल माल में डेटा को समझ के काम करना है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक्स सभी कुछ डेटा के हिसाब से ही चलते हैं, तो डेटा को समझना इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में, और डेटा के हिसाब से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलिए ओबरॉय रियलिटी के बारे में जानते हैं स्पेशली, और कैसे ओबरॉय रियलिटी में आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को टैकल करना है। अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो क्या शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट होना चाहिए, और अगर आप
ऑलरेडी आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, एवरेज भी करना चाहे तो इस समय एवरेज कर सकते हैं। अगर आपने हायर लेवल्स पे इन्वेस्ट किया, अगर आपको टॉप अप भी करना है, आपने लोअर लेवल्स पे इन्वेस्ट किया है और अगर आप टॉप अप कर सकते हैं तो प्लीज टॉप अप कीजिए शेयर को। बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया फंडामेंटलिस्ट कह सकते हैं रिजल्ट हैं इसके आएंगे, जो क्वार्टर वन के थे अच्छे बढ़िया रिजल्ट, क्वार्टर टू के जो रिजल्ट आएंगे वो भी अच्छे होंगे। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को फोकस में रखें, आने वाले दिनों में ओबेरॉय रियल्टी बेहतरीन पिक होगा और उसी वजह से मैं ओबेरॉय रियल्टी को पहले भी मैंने कई बार रेकमेंड किया, आज भी रेकमेंड कर रहा हूँ। ओबेरॉय रियल्टी की बात करें तो इसका जो मेन स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वह यहाँ पे इसके एसेट्स, एसेट्स की बात करें एज कम्पेयर टू लाइबिलिटीज, तो कंपनी पे कर्जा है लेकिन उसके सामने अगर कंपनी के एसेट्स देखें तो काफी बढ़िया है, और लाइबिलिटी भी देखें तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों काफी है यहाँ पे कह सकते हैं, काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर रियलिटी स्टॉक्स। तो अगर ये अदर रियलिटी कंपनी के साथ इनकी लाइबिलिटीज को कंपेयर करें या लोन्स की बात करें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और दोनों लोन्स की बात करें, तो एज कम्पेयर टू अदर रियलिटी स्टॉक्स यहाँ पे इनकी जो डेप्थ है वो काफी कम है, एसेट्स काफी बढ़िया है और जिस हिसाब से इसके ऑर्डर बुक है, जिस हिसाब से इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, जो फ्यूचर प्लान है इसके और जिस हिसाब से इसके कह सकते हैं प्रोजेक्ट आ रहे हैं अपकमिंग में काफी अच्छे हैं, और जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके अगर हम देखें तो बुकिंग्स देखें तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बुकिंग हो रहे हैं। जैसे डीएलएफ का हमने देखा था रिसेंटली गुड़गांव में जो लग्जरी प्रोजेक्ट है उनका, 5 दिन पहले की ये न्यूज थी, गुड़गांव का लग्जरी प्रोजेक्ट जो था वो 1800 करोड़ का टोटल वैल्यूएशन था वो 10 दिन में पूरा सोल्ड आउट हो गया है। तो डीएलएफ, ओबेरॉय रियलिटी की बात करें या गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें, शोभा रियलिटी की बात करें, ये सभी जो स्टॉक्स है जो रियलिटी सेक्टर को इस समय बिलोंग करते हैं, बढ़िया मोमेंटम है और आने वाले दिनों में रियलिटी सेक्टर बेहतरीन पिक होगा। और एक चीज ध्यान रखिए, जब भी कोई मार्केट में करेक्शन का माहौल बनता है या फिर अंडर परफॉर्मेंस का माहौल बनता है किसी सेक्टर के थ्रू, तो जो सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है वो आने वाले दिनों में काफी आउट परफॉर्म करने की ताकत रखता है। तो यही चीज आपको समझना है, जो सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर रहे इस समय वो सेक्टर्स को फोकस कीजिए और उसी सेक्टर्स के हिसाब से आने वाले दिनों में अच्छा खासा आउट परफॉर्म आपको देखने मिलेगा। निफ्टी रियलिटी पोस्ट पॉइंट फॉर एन अपसाइड बाय डीएलएफ एंड ओबेरॉय रियलिटी फॉर गेन्स, ये 2 दिन पहले का आर्टिकल था, पार्टिकल था, जैसे मैंने कहा था कि अच्छा खासा मोमेंटम है यहाँ पे रियलिटी सेक्टर में, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो अच्छी खासी मोमेंटम दिख रही है यहाँ पे रियलिटी सेक्टर में। ओबेरॉय रियलिटी की बात करें तो 939 पे 2 दिन पहले ये कॉल जनरेट हुआ था, टारगेट दिया था 1050 का, स्टॉप लॉस था 870 का, अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहें, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इस स्टॉक में तो मैं स्टॉप लॉस लगाने की सलाह नहीं दूंगा। मेन चीज है अगर इससे प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए तो काफी अच्छा है यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अर्निंग्स फॉरकास्ट की बात करें पिछले साल की तो पर ईयर अगर हम देखें जो पिछले साल ये अर्निंग फॉरकास्ट निकाला था, आने वाले सालों में 19.86% पर ईयर अर्निंग्स फॉरकास्ट दिखा रही है, और अर्निंग्स का ग्रो अगर हम देखें, अर्निंग्स के परसेंटेज जिस हिसाब से ग्रो हुए हैं वो है 73% के आसपास। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो एज कम्पेयर टू पीयर एवरेज अगर देखें इस पर्टिकुलर स्टॉक का, तो एज कम्पेयर टू पीयर पीयर एवरेज जो है स्टॉक का वो उसके कंपेयर में काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो लाइबिलिटीज अगर हम देखें तो 28 बिलियन का है यहाँ पे, जबकि असेट्स देखें तो 89 बिलियन का है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो एसेट्स है यहाँ पे 67 बिलियन के, और अगर लाइबिलिटीज की बात करें तो 24 बिलियन के लाइबिलिटीज है सामने। पास्ट अर्निंग्स अर्निंग्स ग्रोथ एनालिसिस की बात करें तो पिछले 5 सालों में रियलिटी सेक्टर ने 11% के आसपास ग्रो किया, जबकि इस कंपनी ने 17% के आसपास ग्रो किया, मार्केट ने 15% का ग्रो किया है, एक साल में इस कंपनी ने 73% का ग्रोथ दिया है, जबकि रियलिटी सेक्टर की बात करें तो 25% का ग्रोथ है और अगर मार्केट की बात करें तो 22% का ग्रोथ है। स्पेसिफिकली अगर हम फ्यूचर फॉरकास्ट की बात करें तो फ्यूचर फॉरकास्ट भी डिसेंट इनफ दिख रहा है, आने वाले समय में 19% का ग्रोथ दिख रहा है और रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखें तो करीबन 21% का दिख रहा है। रिसेंटली जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए थे वो भी काफी बढ़िया थे, पिछले जून में 295 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार 934 करोड़ का रेवेन्यू है, पिछले जून में अगर 108 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, इस बार 471 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 80 करोड़ का पिछले जून में था, इस बार है 403 करोड़ का। पिछले 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखे तो बॉटम है करीबन यहाँ पे स्पेसिफिकली 900 रुपए का और 890 का आज के दिन का, और हाईएस्ट पॉइंट था 954 का, पिछले 1 महीने का हाईएस्ट पॉइंट था 1084 का और लोएस्ट पॉइंट था 890 के आसपास का। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के पास है 67%, पब्लिक होल्डिंग्स है यहाँ पे करीबन 9% के आसपास, एफआईएस का होल्डिंग है 19% के आसपास, डीआईएस का होल्डिंग है स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो 3% के आसपास। म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखे, म्यूचुअल फंड डेटा देखे अगर सेप्टेम्बर मंथ का, तो 37 म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय किया है, 3 म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया है,
डिफरेंस बाइंग साइड में आया, क्वांटिटी है 24 लाख 34 हजार शेयर्स। तो 24 लाख 34 हजार शेयर्स यहाँ पे बाय हुए हैं बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। और लेवल्स अगर हम देखें तो RSI इस समय 43 है, MFI 38 है, तो लेवल्स भी इस समय अक्यूरेट है दोनों स्टॉक्स के, दोनों इंडिकेटर्स के। तो लेवल्स के हिसाब से देखें तो अच्छा लेवल्स पे आपको ये मिल रहा है स्टॉक, करेक्शन काफी हो चुका है, और क्योंकि रिजल्ट इस हफ्ते है तो इस स्टॉक पे आपको जरूर फोकस करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं, साथ ही मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए, एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।